जल्दी वहाँ से निकल, लगता है मालिक आ रहा, निकल वहाँ से। हाँ हाँ बॉस, बस काम हो गया, अभी निकल रहा हूँ। अरे ये मेरी गाड़ी के ऊपर कीचड़ किसने डाला? मैं ऐसी गाड़ी पर पीटन में कैसे जाऊंगा? ये जरूर उन हराम खोर मजदूरों का काम होगा, मैं अभी जाता हूँ उनका हिसाब लेता हूँ। ये लो बॉस सीमेंट। अच्छा ठीक है, अभी जाओ दो बोरी मिसाला और तैयार करो, जल्दी जाओ। ओके उस्ताद। अरे उस्ताद, तूने मकान मालिक की गाड़ी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे ये कमीना हमें एक महीने से टीने खिला रहा है, अभी तू देख इसके साथ में और करता क्या हूँ। ये सीमेंट उठा और चल मेरे साथ, चल चल जल्दी चल। अबे और कितना सीमेंट लगेगा? दो बोरियों का सीमेंट और लगेगा, फिर तुम्हारा घर तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है तुम निकलो यहाँ से, हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे। चल चल। अबे ओ, सारे मिस्त्री और मजदूर जल्दी नीचे आओ। ठीक है मालिक, अभी आ रहे हैं, चलो भी चलो। जी मालिक। मेरी गाड़ी के साथ ये हशर किसने किया? कौन सा हशर? जरा चलो मेरे साथ, देखो जरा देखो मेरी गाड़ी के ऊपर कीचड़ किसने डाला? जरूर तुम्हारे मजदूरों का काम होगा, जरा पूछो इनसे। बता किसने कीचड़ डाला, बता। उस्ताद हमें नहीं पता किसने किया। बता किसने किया, बता। उस्ताद मुझे भी नहीं पता किसने किया। मालिक ये बेचारे शरीफ लड़के हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे, इन्होंने नहीं किया ये सब। तो और किसने किया? तुम लोगों के अलावा तो यहाँ पर कोई और है ही नहीं। ओ, हमें क्या पता किसने किया, ऐसे हम पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ? हम अपना काम करने जा रहे हैं, चलो भी चलो। उस्ताद ये तो हद ही हो गई, गुस्से में मैं भी तुम्हें दो दिन लगा सकता था। लगी तो नहीं, मेरी बात गौर से सुनो, ये मालिक मकान तुम लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, बस तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? मैं तुम लोगों की मजदूरी 500 से 600 रुपया कर दूंगा, ठीक है? चलो चलो काम पे लग जाओ, चलो। लगता है ये मिस्त्री और मजदूर आपस में मिले हुए हैं, इनका मुंह खुलवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। उस्ताद इतनी लालच भी अच्छी नहीं है, मालिक की सीमेंट और उसकी ईंटों के साथ आपने अपनी पूरी कोठी तैयार कर ली, अब बस भी करो। बेटा तू अपने उस्ताद को जानता नहीं है, अभी देखो हम इसका ये डाला भी अपने साथ लेकर जाएंगे। काम कर काम कर। अब इनको देखता हूँ मैं, जा सीमेंट ला। मिस्त्री के अलावा सारे मजदूर जल्दी मेरे पास नीचे आओ। ओके मालिक। जरा मेरे साथ चलो। सच सच बताओ तुम लोग मेरे साथ क्या गेम कर रहे हो? फिर मैं आप लोगों की मजदूरी पूरा 1000 रुपया कर दूंगा। 1000? लेकिन उस्ताद ने हमें तो कुछ और ही कहा था। देखो सुबह एक काम मिला है और तुम दो मजदूर के लिए मैंने उसे बड़ी मुश्किल से राजी किया है, सिर्फ 400 मजदूरी दे रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100 बढ़ा के मैं तुम लोगों को 500 मजदूरी दूंगा। दिल लगा के काम करना है, ठीक है? धन्यवाद बॉस। ओके ओके। अच्छा तो ये कहा था उस्ताद ने, जरा ये वीडियो देखो। ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगा और मजदूर भी मैं अपने साथ लेके आऊंगा, जो सुबह से लेकर शाम तक पूरा जोर लगा के काम करेंगे। एक एक बंदे की मजदूरी 1000 रुपया लूंगा और मैं उनको 400 रुपये दूंगा, तुम्हें तो काम से मतलब है ना, बस तुमने अपना मुंह बंद रखना है, ठीक है?
अबे उस्ताद की तो तुम्हारे साथ साथ हमारे साथ भी फ्रॉड कर रहा था, जरा चलो उस्ताद के पास। अबे ओ मिस्त्री, क्या है? जितनी बार भी पूछोगे जवाब ना में ही आएगा, हमें ना पता कुछ। नीचे आता है या भेजो इन दोनों को ऊपर? आने से क्या होता है, अभी नीचे आ जाता हूँ। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे नीचे? अरे मालिक, इसी ने डलवाया था तुम्हारे डाले के ऊपर कीचड़। और तो और, इसने तुम्हारी सीमेंट और इंटू से अपनी एक कोठी बनवा ली। अरे उस्ताद, तुमसे ये उम्मीद ना थी, साथ साथ तो हमारी मजदूरी भी खा रहा था। पता चल गया। अभी उस्ताद तेरी तो गुरु सब कुछ हार गया, कादा तेरे